स्वागत है। ओडिशा से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। पत्थर सेनी मंदिर के पास बड़ा हादसा, नाव टूटने से 50 से 60 लोगों के डूबने की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ज्यादातर लोग, बता दें ओडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एसपी ने हादसे की पुष्टि भी की है, ये बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है और ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्थर सेनी मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, नाव टूटने से 50 से 60 लोगों के डूबने की खबर मिल रही है। अधिकतर लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ओडिशा से बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। पत्थर सेनी मंदिर के पास बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। नाव टूटने से 50 से 60 लोगों के डूबने की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ज्यादातर लोग, ओडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, सभी की तलाश जारी है। एसपी ने हादसे की पुष्टि भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या ज्यादा अपडेट मामले में? जी देखिए, न्यूज 18 सबसे पहले ये खबर दिखा रहा है, बेहद दुखद खबर है और ये बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ये जो पत्थर सेनी मंदिर है उसके दर्शन के लिए गए थे और महानदी के बैक वाटर में एक टापू में ये मंदिर बना हुआ है, वहां पर नाव में 50 से 60 लोग सवार होकर गए थे और कुछ लोग कोतरलिया के हैं, खरसिया छत्तीसगढ़ क्षेत्र के भी लोग हैं और अभी तत्काल जो एसडीआरएफ की टीम है, फायर की टीम है और ओडीआरएफ की जो ओडिशा डिजास्टर की टीम है वो मौके के लिए रवाना हुई है और पहुंच भी चुकी है और जो झारसुगड़ा के जो एसपी है उनसे भी हमारी बात हुई है। तो हालांकि जगह को लेकर के बिल्कुल थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं, खास करके खरसिया क्षेत्र के बता रहे हैं, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने भी यहाँ रेस्क्यू शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ ओडीआरएफ की टीम भी वहां रेस्क्यू कर रही है और बहुत सारे लोगों की लापता होने की बात है भी कही जा रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि एक मृत हुआ है और 6 लोगों को अभी फिलहाल निकाला गया है वहां से और अभी भी राहत और बचाव कार्य है वो चल रहा है। अब मौके पर जाने से ही पता चल पाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं और ये पत्थर सेनी मंदिर का जो दर्शन करने गए थे। हाँ। और जो सरदा गांव है, रेगाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी क्या कहा जा रहा है युगल की शुरुआती जांच में, आखिर कैसे ये जो है नाव टूटने से बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान पर बनाई लापरवाहियां कुछ? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और इस समय बहुत सारे लोग एक साथ नाव में सवार होते हैं, नाव की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है और लकड़ी का ये जो नाव है वो बनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसमें सैर सपाटे के लिए 2-4 लोग चढ़ते जरूर है, लेकिन जब परिवार के साथ सब एक लोग जाते हैं, एक साथ जाते हैं तो सब एक साथ जो नदी में सफर करना है वो चाहते हैं और यही वजह है कि नाव टूटने से इसके बाद ये हादसा है वो हुआ है। और फिलहाल अभी स्थानीय लोग अपने स्तर पर तत्काल राहत और बचाव कार्य वहां कर रहे हैं। ये वीडियो है उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से वहां पर चीख पुकार है वो मची हुई है और ओडीआरएफ एसडीआरएफ फायर की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। झारसुगड़ा रेंज आता है, कोतरलिया के भी कुछ लोग हैं जो रायगढ़ से लगा हुआ है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थानीय लोग है, क्योंकि उड़ीसा के बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के जैसे चंद्रहासिनी है वहां पर आते हैं, वो भी महानदी के एक टापू में है। ठीक उसी तरह जो मंदिर है पत्थर सेनी मंदिर, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर जाते हैं। तो फिलहाल अभी स्थान का पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग उस नाव पर सवार थे। जी जी, बड़ी यहाँ पर लापरवाही है, क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठा लिया गया और बड़ा हादसा हो गया और ऐसे हादसे होते रहते हैं पर शायद उनसे सीख नहीं ली जाती, इस तभी ऐसी रिपीटेशन बार बार होती है। आखिर युगल, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, इस बारे में कोई जानकारी और अब ज्यादा से ज्यादा जानकारी कब वहां की टीम दे पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए वहां पर स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, न्यूज 18 के टीम से भी हमारी बातचीत हो रही है, खास करके जो एसपी है उससे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वो कुछ ही दूरी पर है और जाकर के पूरा स्थिति है जो जो
स्थिति है वो क्लियर हो पाएगा, लेकिन स्थानीय लोग जो पहले जैसे ही नाव टूटने के बाद जो डूबने की स्थिति थी तो आसपास के लोगों ने जो देखा है और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मची हुई है और जो स्थानीय लोग हैं जिसने रेस्क्यू की है उससे हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। हालांकि संख्या का भी पता इसलिए नहीं चला है क्योंकि जब इस तरह के जब नाव में सफर करते हैं नदी में तो कोई इसे काउंट करके नहीं चलता और एक साथ नाव में चलने से ओवर जो सवारी उसमें लोग जो बैठे थे इसकी वजह से नाव है वो टूट गया है। उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। इस तरह के हादसे और भी होते रहे हैं। दरअसल जो मल्लाह होते हैं एक तो प्रशिक्षित नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक रूप से जबरन दबाव बनाकर वहां पर बैठ जाते हैं तो इस तरह के जो हादसे हैं वो होते हैं। एक बड़ी लापरवाही है बिल्कुल और ऐसे तीर्थ स्थल पर भी पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटक स्थल पर भी व्यापक पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए ताकि जागरूकता भी वहां पर दिया जा सके। अब देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है चाहे वो कहीं के लोग हो लेकिन बात तो ये आ रही है कि आखिर कितनी जाने गई हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया है ये बाद में क्लियर हो पाएगा लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है जी। वाकई जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर पहुंचते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि समय पर मॉनिटरिंग करे, प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों को भी यहाँ पर जागरूक करे। कहीं ना कहीं जो नाव चालक है उन पर भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर क्षमता से ज्यादा ना बिठाया जाए। और अब तो ये भी बड़ी बात है कि अभी यही क्लियर नहीं है कि आखिर कितने लोग थे, सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि 50 से 60 लोग इसमें बैठे हो सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कितने लोग अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं? बिल्कुल देखिए जो तत्काल जिन्होंने ग्रामीण जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे उन्होंने रेस्क्यू की है और जब हमसे बात हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम पूरी जानकारी आपको बाद में देंगे, अभी फिलहाल हम रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर लोगों की काउंटिंग तो जरूर नहीं हुई है लेकिन एक नाव था और नाव में बहुत सारे लोग सवार थे, वो छत्तीसगढ़ के भी थे, कोतरलिया के भी थे, जो बिल्कुल रायगढ़ की सीमा से लगा हुआ है उन क्षेत्र के भी लोग थे और वहां पर जो लोग डूबे हुए हैं बहुत सारे लोगों को उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, बचाया है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जानकारी दे सके। वहां पर चीख पुकार अफरा तफरी है वो मची हुई है और ये कहा जा सकता है कि जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचेगी पूछताछ होगा, उपचार होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर किन क्षेत्र के लोग थे, कितने लोग थे। लेकिन सूचना यही है कि बहुत सारे लोग उसमें छत्तीसगढ़ के हैं, खरसिया क्षेत्र के बताए जा रहे हैं जी। बात वही है, सवाल वही है कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हमेशा ही ऐसी स्थिति बनी रहती है। आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा ही इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आखिर जब हमेशा ही ऐसी स्थिति बनी रहती है तो प्रशासन कहां रहता है, क्यों प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं रहता? जी देखिए पर्यटक स्थल जितने भी हैं आप देखे होंगे जब बरसात के दिनों में आता है वॉटरफॉल होते हैं उसमें लोग सेल्फी लेते हुए गिर जाते हैं, बहुत सारे नदी ऐसे होते हैं जिनकी गहराई स्थानीय लोगों को पता होता है लेकिन बाहर से पर्यटक जाते हैं और उसमें कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में, कई बार एंजॉय करने के चक्कर में लोग डूब जाते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक कोरिया का एक जो जलाशय था उसमें मध्य प्रदेश के 8 लोगों की डूबने से एक ही परिवार की मौत हो गई थी, बीते वर्ष की घटना है। ठीक इसी तरह से महानदी में इस तरह के हादसे होते हैं लेकिन पर्यटक स्थल है वहां पर चेतावनी भरा बोर्ड होना चाहिए। दूसरा जिस तरह से जो नावें चल रहा है, नौका चल रहा है, उसका परीक्षण भी होना नितांत जरूरी है और साथ ही साथ उसकी क्षमता भी उल्लेख होना चाहिए। आप 10 के नाव की कैपेसिटी है, 40 से 50 लोग अगर सवार होंगे तो या तो नाव डूबेगा या फिर लोग नाव टूटेगा भी और उसमें इस हादसे हैं वो होते हैं। हादसे बुलाकर बिल्कुल नहीं आते हैं लेकिन हादसों को रोका जा सकता है वो भी सतर्कता की वजह से। फिलहाल अभी वहां पर SDRF ODRF तमाम जो टीम है स्थानीय लोग हैं रेस्क्यू कार्य पर लगे हुए हैं जी। मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, कई सारे युवा नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे भी हैं अपने माता पिता के साथ यहाँ पर घूमने आए। यही होगा कि उस नाव में भी एक एंजॉयमेंट के तौर पर सभी गए होंगे, मस्ती मौज कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता था ये बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे, शायद उन्हें पता होता तो इस तरफ वो जाते ही नहीं, बड़ा हादसा।
कि अगर परिवार के साथ हम जा रहे हैं तो किसमें नुकसान हो सकता है, किसमें परिवार की जान आफत में आ सकती है, इसका भी ख्याल परिवार के बड़े सदस्य को है, उनको भी रखना चाहिए। किसी के